पिछले दो लखनऊ कृष्णनगर क्षेत्र में ज्वेलर की दुकान में लूटपाट के मामले में 42 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस वेब से बदमाश को दूर है। आक्रोश व्यापारियों ने आलमबाग में दाम लगाया। पुलिस के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन कर टैरिफ की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपकी दुकान आलमबाग थाना क्षेत्र में की है, कृष्णनगर में? ये सर हमारी कृष्णनगर थाना है। क्या मामला? अभी आप लोगों ने रोड जाम कर रखा था, क्या मामला? मामला ये था सर, हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आए दिन चोरी हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ। अभी परसों ही जो है आपके आर के ज्वेलर्स में जो है मर्डर भी हुआ है और चोरी डकैती भी हुई है आपकी। किस नाम से शॉप है आपकी? हमारी फर्म है श्री गोविंदा गारमेंट के नाम से, आलमबाग चौराहा। और बगल में भी आपको चोरी? बगल में भी संगनी में कुछ समय पहले चोरी हुई थी, जो आश्वासन दिया गया था कि कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। राशि में भी हुई? 2 महीने पहले राशु कंपनी में भी चोरी हुई थी सर। कुल मिलाकर दिया गया कि ये माना जाए कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बेखौफ हो चुके और वो मर्डर भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, कोई पुलिस लगाम नहीं लगा, कोई लगाम नहीं लगा पाया। इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, इसलिए धरना प्रदर्शन किया। और ठेले भी हमारे यहाँ बहुत परेशानी वाले कारण बन गए हैं। एक तो सर हमारे यहाँ ये आपका ये बन रहा है इलेक्ट्रिक का, अभी तक ये बना नहीं है सर, 1 साल हो गया इस बात को लेकर, 1 से 2 साल हो गया जो इतना रोड जाम हो रहा है। इसके अलावा ठेले लगते हैं सर, हमारा आना जाना वैसे ही कम हो गया है। वैसे अब चौराहा जाम रहता है, बस अड्डा जाम। क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस की तरफ? कह रहे नंबर दिए हैं आपको, जो जल्द से जल्द वापस कार्रवाई पूरी की जाएगी।